सवाल आपको खुश रहे, क्या बात रहते हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का। जैसे कि धमाकेदार सी सर्दी हम पंजाब साइड पे तो आ चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना मजेदार सा शानदार सा अंडे वाला आलू कोफ्ते का सालन बनाया जाए। और मैं आपको कोफ्ता भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कोफ्ता गर्मा गर्म सा मजेदार सा और इस कदर सॉफ्ट और बिल्कुल क्रैक नहीं है इसके अंदर, आप देखिए बिल्कुल टूटा भी नहीं हमारे कोफ्ते। और ये देखिए कितने नरम मुलायम से बने, ये देखिए जिसको भी कंप्लेन है कि क्रैक आ गए हमारे कोफ्ते टूट जाते, इस रेसिपी को फॉलो करें, जबरदस्त से कोफ्ते आपके तैयार होंगे। चलते मजेदार सा अंडे कोफ्ते का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। शादियों में बनने वाला अंडे कोफ्ते का सालन वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन के, आप चाहे बीफ या मटन के बना सकते हैं। हाफ के जी मैंने चिकन बोनलेस लिया था, उसको बिल्कुल देखें ग्राइंडर में डाल के इस तरह बारीक बारीक ग्राइंड कर लिया अच्छे से वॉश कर लेने के बाद। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबल स्पून पुदीने के डालकर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे बेसन का और 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इतने मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे, आप ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा। नमक डालेंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीस कर लेना है और अब हम इसके अंदर से 2 टेबल स्पून के लगभग बैटर उठाएंगे कोफ्ते के लिए और इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। इस तरह करके पहले आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है अंदर की तरफ और फिर इस तरह करके ये गोल शेप दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रैक वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस साइज के आपने कोफ्ते रेडी कर लिए। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, कितने जबरदस्त से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका जल्दी से मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल दो, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया तो आप डाल दीजिएगा। चलिए इसका मसाला बनाते हैं जल्दी। मसाला बनाने के लिए चूल्हे पे रखी है पॉट, इसके अंदर डाल देंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल ले लीजिए। कुकिंग ऑयल डाल देने के बाद 3 अदर मैंने बे लीव्स डाल दिए और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के मिक्स गरम मसाला, जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, दालचीनी हो गई, जीरा हो गया, इलायची वगैरह सब होती है। अब हम इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। पिसी भी लाल मिर्च का डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, नमक डालेंगे आपके टेस्ट के मुताबिक जितना भी खाना पसंद करते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। साइज की मैंने प्याज ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे, उसका पेस्ट बना लिया था पानी डालकर वो डाल देंगे। बड़े साइज के टमाटर लिए थे उसका भी पेस्ट बना के वो भी डाल देंगे। भूनने में कोई 5 से 10 मिनट अच्छे से लगेंगे कि मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो जाए और खुशबू आने लग जाए। चले हम आपसे मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए हमने मीडियम हीट पे मसाला हमारा भून गया, कितना जबरदस्त सा कुक हुआ है और एक शानदार सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है हमारा। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून दही का डाल देंगे और दही डाल के हमने फौरन से इसको मिक्स करना है। चलिए जनाब दही डाल के हमने मसाले को दोबारा से एक दफा और भून लिया, क्या जबरदस्त सी इसके अंदर से मजीद खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मसाला देखिए बिल्कुल दानेदार है। दही को डाल के हमने इसलिए फौरन पकाया कि दही हमारा फटे ना इसके अंदर जाकर। आप देखिए दही बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त से दानेदार से। ही देखिए मसाला हमारा तैयार है, इसका मतलब मसाला तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मसाला आपका ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है, तो ये जो कोफ्ते हमने बनाए थे ये उठा उठा के इसके अंदर हम रखते जाएंगे, थोड़े थोड़े फासले पे हमने रखने।
टेबल स्पून के लगभग और हल्का हल्का सा बस इसको हिला देंगे। अभी आपने बिल्कुल इसको कुछ करना नहीं है कि कोफ्ते की, वरना शेप खराब हो जाएगी। चले अब इसको लेट लगा के हम 5 मिनट के लिए छोड़ दें। लेड उठा के देखते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कोफ्तों का साइज भी हमारा कितना थोड़ा बड़ा हो गया और जबरदस्त से हमारे कोफ्ते इस टाइम भुन भी चुके हैं। ये देखिए अब हमने क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। कोफ्तों को भी डाल के अच्छे से भून लिए हमने। अब आप ये देखिए कोफ्तों में जरा भी क्रैक नहीं पड़े और कहीं से भी हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी ऐसे ही शानदार से बनेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 अदद मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे, इसको इस तरह करके मैंने काट लिया था पील ऑफ कर लेने के बाद। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप नहीं डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। वो आलू डाल देने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट तक और भूनना। हमने इसको अच्छे से भून लिया है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना होगा कि बस आलू हमारे कुक हो जाए। चलें जी, आलू पानी डाल दिया, अब हम इसको लो टू मीडियम हीट पे रख देंगे कि आलू हमारे अच्छे से कुक हो जाए, फिर हम आपसे मिलेंगे। चलिए जनाब, 15 से 20 मिनट लगे हैं हमारे यहाँ पे आलू गलने को, तो हमारे आलू अब गल चुके हैं। देखिए क्या जबरदस्त सा सालन की कंसिस्टेंसी बनी है, मजेदार सा। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा सालन इस टाइम तैयार हो चुका है। क्या कलर आया है इसका माशाल्लाह से। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको कर दें सर्व। अंडे हमने इसके ऊपर गरम गरम उबाल के सर्व कर दिए, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। मजेदार सा शादियों में खाने वाला मजेदार शानदार सा अंडे कोफ्ते का सालन खाने के लिए तैयार हो चुका है। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।